और मैं एक गल होर कहनी चाहूंगा कि देखो सरकारां आउणियां सरकारां जानियां लेकिन गुरुद्वारे ते कब्जे असी कदे नहीं सुने। तुसीं देखो जो सुल्तानपुर है मैं किसी का कसूर नहीं कढ़ना चाहवांगा, चलो वो तो सानू सिक्ख्या ले लेनी चाहिए आ। अब बावे वाला गुरुद्वारा, बावे वाले गुरुद्वारे दे विच आ साडे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन इंडियन है, तो यार तुहानू जे एक जिम्मेवारी मिल गई आ तुसीं संतुष्ट हो गुरुद्वारे च कई किस्म के आरोप है, मैं उन्हां च नहीं पैना चाहुंदा, लेकिन गुरुद्वारे च इदां कब्जा नहीं होण देंगे, बिल्कुल नहीं होण देंगे। और प्रशासन की तारीफ करांगा कि उन्होंने उत्थे पंताली लाती, अमन शांति आ, लेकिन की गुरुद्वारे च पंताली हल है? गुरुद्वारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बाबा बरादरी की आस्था उस गुरुद्वारे नाल जुड़ी है। भरावो असि भी हेलो हेलो ये सुनते लो मेरी गल, मैं मुर्दाबाद से नहीं करना चाहता, लाए के मुर्दाबाद भैया, लेकिन सर सरकार ने सोचना है कि शायद ओपोजिशन के इशारे से कर रहे हैं, पर असि अके हुए हैं सरकार तो। सारी दुनिया दुनिया क्यों यार, सारी दुनिया क्यों? मैं तो यह कह रहा यार गुरुद्वारे च दसो की मतलब कब्जे का, आ इंडियन हूँ उत्थे गुरुद्वारे च कब्जा करना चाहता, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और प्रशासन की तारीफ करांगा कि उन्होंने उत्थे पंताली लाती, अमन शांति आ, लेकिन की गुरुद्वारे च पंताली हल है? गुरुद्वारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बाबा बरादरी की आस्था उस गुरुद्वारे नाल जुड़ी है। हाँ जी, अज साडे कपूरथले दे MLA साहब ने जिहड़ा मेरे ते इल्जाम लगाया कि यह गुरु घरां दे विच कब्जे दुआरिया, तो मैं इत्थे इहनां नूं गल कहनी चाहुंदा कि पिछले तकरीबन हर वार दी इलैक्शन दे विच साडे जिहड़े कपूरथले दे लोग आ उन्होंने बड़ा मान धन दिता राणा साहब तुहानूं, तुहानूं हर वार उन्होंने कपूरथले तों जताया, बट इस वार 2022 दी इलैक्शन दे विच जिहड़ा कह लो कि तुहानूं जिहड़ा हार दा मूंह देखना पिया, कपूरथले च लगभग 3000 वोट तों तुसीं हारे हो, यह जिहड़ी बुखलाहट है तुहाडे विच साफ साफ दिख रही है। और रही गल कब्जिआं दी, इह काम जिहड़ियां पुरानियां रवायती पार्टियां तुहाडियां पार्टियां दे होणगे, कब्जे कराने ते कब्जे लैणे इह जिहड़ियां तुहाडियां पार्टियां दे काम होणगे, ते आम आदमी पार्टी सरकार दे विच इत्थे कोई भी इहो जिहा काम नहीं हुंदा। जिथे तक गल रही गुरद्वारा साहब की, गुरद्वारा साहब के जड़ा कह लो कि यह दो धिर आपस के झगड़ा हैगा आ, वो झगड़ा जोड़ा मानयोग अदालत के चलता पाया, इन्हों का आपसी केस चलते पे ने, साडे जेडे DC साहब ने कपूरथला के उन्होंने 145 लगा के उदों तक इतने जोड़ा है शांति बहा जी रखने के लिए यह जरा इतने 145 लगाई हुई ताकि दो धिर आपस के ना लड़न, मानयोग अदालत का जो भी इतने हुक्म होएगा वह ये जी धिर हैगी हर एक धिर जरा स्वीकार करना पेगा। तो मैं इतने एक राणा साहब तुम गल कहनी चाहना कि थोड़ी जी बुखलाहट हैगी दिखती पी है कपूरथले के हार तो बाद, जरूर सवेरे उठ के अपने एक सैर से जरूर जाया करो, मैं तुम्हें सलाह देनी चाहना, सैर से जाने के नाल एक जो ब्लड सर्कुलेट जरा करेगा थोड़ा तो थोड़ी जी बुखलाहट है खत्म होएगी। तो अपना सेहत का जरूर ध्यान रखो। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की।